जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती हैं। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। बालक उपकोसल कामलायन। शिक्षा दीक्षा हेतु गुरु सत्यकाम जाबाल के आश्रम में पहुंचा। पहले गुरु तुरंत उपदेश नहीं दिया करते थे, कई वर्षों की सेवा तपश्चर्या के बाद दो वाक्य ब्रह्म ज्ञान का सुनाते जिससे शिष्य पूर्णत्व का अनुभव करता। बालक उपकोसल ने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए खूब निष्ठा से गुरुदेव की अग्नियों की सेवा की, अर्थात जंगल से समीधा लाना इत्यादि यज्ञ आदि की सेवा की। गुरु जी ने अन्य सभी शिष्यों का समावर्तन संस्कार कर दिया किंतु उपकोसल का नहीं किया। गुरु का व्यवहार उपकोसल के मन के प्रतिकूल था, फिर भी उसने मन में गुरु के प्रति अहोभाव में कमी नहीं आने दी, पहले की तरह ही सेवा साधना में लगा रहा। कुछ दिन बाद आचार्य सत्यकाम की पत्नी ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि स्वामी, यह ब्रह्मचारी बहुत तपश्चर्या कर चुका है, अतः इसे उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। परंतु शिष्य का कब, कहां और कैसे भला होगा, यह बात सद्गुरु से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। गुरुदेव बिना कुछ कहे ही यात्रा पर चल पड़े। इधर उपकोसल ने अन्न जल का त्याग कर दिया। गुरुदेव की अनुपस्थिति में इच्छाएं वासनाएं मन की दौड़ अधिक बढ़ जाती है। विकार एवं अन्य शत्रु मन पर पूर्णतया हावी हो जाते हैं। गुरु की देव की अनुपस्थिति में
गुरु पत्नी के पूछने पर कि तुमने अन्न जल का त्याग क्यों किया, उपकोसल ने कहा कि पुरुष के मन में बहुत सी कामनाएं रहती हैं जो आगे चलकर दुख ही देती हैं, और गुरुदेव की उपस्थिति में यह और प्रबल हो जाती हैं। और मैं उन्हीं व्यथाओं से परिपूर्ण हुआ हूं, अतः मैं भोजन नहीं करूंगा। कामनाओं के पीछे अंधे लोग वासना पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप करते भी नहीं हिचकते। वहीं उपकोसल ने गुरुदेव की अनुपस्थिति में स्वयं को कामनाओं से ग्रस्त जानकर अनशन करने का निश्चय किया। उपवास से उपकोसल की इंद्रियों की चंचलता शांत होने लगी, मन एकाग्र और हृदय शुद्ध हो गया। उसकी दृढ़ गुरु निष्ठा व कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गार्हपत्य, अनवाहार्य पचन और आहवनीय आदि अग्नियों ने प्रकट होकर उसे लोक परलोक हित कारणी विद्या का उपदेश दिया। गुरुदेव के लौटने पर उपकोसल ने अग्नियों द्वारा दिया सारा उपदेश अपने गुरुदेव को अक्षरशः कह सुनाया। उसके आज्ञा पालन के गुण, सत्य आचरण और हृदय की सरलता से गुरुदेव का हृदय छलक पड़ा। वे बोले, बेटे, अग्नियों का दिया उपदेश लोक परलोक संबंधी है, जो हितकारी तो है, लेकिन जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक जीव की भटकान चालू ही रहती है। वर्षों की तपश्चर्या और निष्कपट व्यवहार से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः अब तुम ब्रह्म विद्या पाने की अधिकारी हुए हो। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूं जिसे जानने पर पाप कर्म उसी प्रकार लिप्त जिसे जानने पर पाप कर्म उसी प्रकार लिप्त नहीं करते जिस प्रकार कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होते। फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का दान देकर उपकोसल की सर्व साधना, सेवा व तपस्या को सफल कर दिया। धन्य है उपकोसल जैसे सतशिष्य जो अपने परम हितैषी, परम सुहृद सदगुरु की आज्ञा पालन में, उनकी प्रसन्नता में अपना तन मन जीवन पूर्ण समर्पित करके अंत तक डटे रहते हैं।